बोले सो नेहा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 43 LIG ਫਲੈਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਕੁਕੜੀ ਥਾਣਾ ਵਿਖੇ 12ਵਾਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ सरदार कुलवंत सिंह सिद्धू MLA जेडे कि बहुत ही अनथक वर्कर ने, उन्हां दा एक सुनेहा और साडे लई एक बहुत जरूरी हदायत भी कीती हैगी उन्होंने कि जदों भी मतलब तुसीं अपने इलाके दे विच विचरना है तो उत्थे सेवा भावना दे नाल जाना है। सो असीं इह सेवा भावना जिहड़ी अज लैके आए हाँ कैंप दे रूप दे विच, इहदे विच असीं बजुर्गां दे लई पेंशन और जिहड़े विधवा ने उन्हां लई पेंशन और हैंडीकैप दे लई पेंशन, आधार कार्ड होर काफ़ी सारिया स्कीमां लैके आए हैं। ये इस करके लैके आए हाँ कि साढ़े जेडे बजुर्ग ने, महिलावान ने या वड्डे ने जेडे कि जा नहीं सकते दूर दूर दफ्तर में धक्के नहीं खा सकते, उन्होंने लिए विशेष तौर पर असं ये लैके आए हैं सूट। ओके, इस तो अलावा भी कितने होर कैंप लगाए जा रहे हैं? इस तो अलावा असं वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 49 से पहले ही काफ़ी ज़्यादा इन्हों कैंप लगा चुके हैं। साढ़े इस टाइम 5-6 जिहड़े वार्ड कवर हो चुके हैं, साढ़े हल्का आत्म नगर के 15 वार्ड ने और धीरे धीरे असं सारे वार्ड ने। अज का जो कैंप है ये सरदार कुलवंत सिंह जी सिद्धू जी की रहनुमाई में हो रहा है। मेरे तो पहला भी बाली साहब भी बोल रहे हैं, कुलवंत सिंह सिद्धू इलाके के विधायक ने, उन्होंने रहनुमाई में जितने भी काम वार्ड वार्डा में होने ने सब उन्होंने रहनुमाई में ही हो रहे हैं। और इको एक टीचा हैगा कि केजरीवाल ने जिवें दिल्ली में घर घर सरकारी सहूलत पहुँचाई उस रहनुमाई इतने भी पंजाब भी जिन्हें भी MLA बने ने सब अपने इलाके के वार्डा में घर घर जाके बूहे बूहे जाके लोगों दिया पेंशन ने या होर कई काम रुके हुए जो बजुर्ग गेड़े नहीं मार सकते सत्र के उन्होंने ये सहूलत असी घर घर पहुँचाया। तो ये अजे कैंप लगा, इस तो अगला स्टैप जोड़ा होएगा वो जोड़े बजुर्ग घर तो बहर नहीं आ सकते उन्होंने भी असी कवर करा। अज का कैंप असं सरदार कुलवंत सिंह जी सिद्धू MLA उन्हें अगवाई हेठ ला रहे हैं। तो जोड़ी भी स्कीम सरकार वालों पहला सरकार नहीं पहुँचा दी थी जिमें बुढ़ापा, विधवा पैशन, होर भी कई तरह दी असं लोगों के घर घर जाके पहुँचा रहे हैं। तो जिमें 14 से 15 वार्ड ने हल्का आत्म नगर के एक एक करके सारे वार्ड असं कवर करने हैं। जोड़े बजुर्ग नहीं आ सकते उन्होंने घर जाकर भी कोशिश करा फार्म भरन की ता जो उन्होंने कोई परेशानी ना हो। हम तक किन्ने क रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हरेक कैटेगरी में, जिम्मे जाति सर्टिफिकेट, शेड्यूल स्कीम, कोई आइडिया जी? 20-25 हो गए हैं हम तक। किन्ने तो किन्ने टाइम तक ये कैंप चलेगा? 10 बजे तो 4 बजे तक। हाँ जी मैम, जिस तरह देखा जाता फॉर्म भरने वास्ते बहुत सारे लोग ऐसे ने जो फीस लेंगे ने आम लोगों तो, कि इस कैंप में कोई फीस ली जा रही है? नहीं, इस कैंप में कोई फीस नहीं ली जा रही, बल्कि हर एक की मदद की जा रही है। ओके, ये भी कह रहे हैं कि जड़े लोग घर तो नहीं आ सकते असं उन्होंने भी मदद करने तैयार हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है, मैं आत्मनगर की निवासी हाँ। सिद्धू जी बारे की कहना चाहोगे? बहुत नेक दिल इंसान हैं, इन्हें मैंने समान दिता, अब मैं इस कैंप के आई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करनी हाँ कि इन्होंने मैं इन्ना समान दिता।